हेलो, दिस इज केनिशा भारद्वाज एंड यू आर वेलकम टू जॉन फिल्म। एक बार को ना आपको मुंबई ये जरूर सिखा देती है कि आपको परेशानियों से कैसे लड़ना है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। कनिशा, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा श्रेया, हमने तुम्हें हमारे देशों से नहीं मिलवाया ना, है हमारी सुपर कुकम लाइफलाइन। जब कनिशा पहली बार डिसाइड किया, सोचा और घर में ऐलान किया कि मुझे एक्टर बनना है, क्या रिएक्शन था? घर वालों के सामने तो बच्चा ये भी कहता है ना कि मुझे वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है, तो घर वालों का रिएक्शन ये रहता है क्यों यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। क्योंकि घर वाले चाहते ही नहीं है कि उनका बच्चा उनकी आंखों से इतने सी भी देर के लिए दूर जाए। और इस हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ में बदनाम है। सही बात है। तो कोई भी मम्मी पापा हमारे यहाँ से, तो वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, और स्मॉल टाउन की लड़की हूँ, गाजियाबाद से हूँ, तो वहाँ पर तो किसी ने भी नहीं सोचा था, मेरे तो पूरे खानदान में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे घर की लड़की वहाँ जाके झंडे गाड़ेगी, जो कि भी मैंने गाड़े नहीं है, अभी गाड़ने बाकी हैं। तो हुआ था, बट मैं हमेशा से बहुत रेबेलियस रही हूँ, बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हूँ। जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे चाहिए ही होता है, बट विद डिग्निटी और विद मम्मा पापा सपोर्ट, पेरेंट्स सपोर्ट। बट मैं जिद करके मनवा लेती हूँ। मैं हर बच्चे को यही बोलूँगी कि अपनी मर्जी से जो करना हो ना, मम्मी पापा से जिद करो, मम्मी पापा सब मान जाते हैं। कितनी अच्छी ट्रिक, बगावत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, पेरेंट्स की जरूरत है, फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब यहाँ पर डाउनफॉल्स आते हैं तब वो इमोशनल सपोर्ट तो फैमिली से ही मिलेगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात मैंने यहाँ पे आके देखी है कि एक बार को ना आपको मुंबई ये जरूर सिखा देती है कि आपको परेशानियों से कैसे लड़ना है, अकेले कैसे जूझना है सब चीज़ों से। लेकिन जब आपको कोई शो मिलता है ना, वो खुशी आपको सबसे पहले लगता है मम्मी पापा को बताओ। राइट। तो आपकी जो खुशी होती है ना, वो बांटने से जो बढ़ती है, उसका तो अलग ही लेवल, मतलब वो तो अलग ही हाइट पे होता है। ठीक है, ये तो आपको मुंबई ने क्या सिखा दिया? मुझे मुंबई ने स्पीड सिखाया है। Really? हाँ, मैं वहाँ पे अपने घर पे थी, बड़ी लेजी, अभी भी मैं बहुत लेजी हूँ। मैं अकेले, मतलब जब मेरा शो, ये शूट वूट नहीं होता है, मैं 12-1 बजे से पहले नहीं उठती। और जो कि मेरी फितरत में ही है, शायद वो बदली भी नहीं मैंने, क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते तब तो हमें उठना ही होता है, 6-7 रेगुलर स्ट्रेच में काम होता है। हाँ, तो बट मुझे मुंबई ने स्पीड सिखाया। अभी मेरा माइंड वर्क करते रहता है, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में तो कभी चलता ही नहीं है, बट कभी अभी मुझे ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। घर पे हम लोग होते थे, आप सभी लोगों को पता होगा स्मॉल टाउन्स में क्या होता है, 12 बजे तक खाना वाना खा के सब अपना दोपहर में 1-2 घंटे जरूर सोते हैं। यहाँ पर वो नींद की आपको जरूरत ही नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है आप 1 घंटा दिन में सो लिए क्या, ऐसे वाली फीलिंग आती है। दिन खराब हो गया, दिन खराब हो गया, ऐसा लगता है। ओके, अब जब वो छोटे से टाउन के गाजियाबाद के लोग आपसे मिलते हैं और आपके साथ सेल्फी खिंचाते हैं, तब क्या फील आता है? अच्छा फील होता है, लेकिन एक थोड़ा सा ऑकवर्ड फील था, फीलिंग थी। मेरे भाई की शादी थी और मेरे भाई और भाभी स्टेज पे बैठे हैं, आई वॉज डूइंग क्वींस है हम दैट टाइम, और मेरे भाई भाभी स्टेज पे बैठे हैं और सब लोग मुझे खींच के ले गए और सब लोग सेल्फी क्लिक। मैंने थोड़ी देर बाद ऐसे करके देखा तो भैया भाभी वहाँ बैठे हैं, उनका फोटोग्राफर जो था, वीडियोग्राफर जो था, वो भी मेरे सामने खड़ा है, पब्लिक मेरे सामने खड़ी है। मेरे आँखों में आंसू आ गए थे वो देख करके। तो वो मोमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो उनका दिन था। राइट। तो खैर, वो इतना प्यार मिलता है आपको फैन से, आप उसको ठुकरा तो नहीं सकते, आपको अपनाना ही है। कनिशा, आप 2.5 साल से हो, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहे हो, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो, काफ़ी गर्ल्स जो बाहर से आने वाली होती हैं, खासकर जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव टाउन है या छोटा टाउन है, उनको डर लगता है, उनके पेरेंट्स को डर लगता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है, और उसको आपको कभी खोना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा भरोसा ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली पे करो, फ्रेंड्स पे करो, या आपके आसपास वाले लोगों पे करो। आप खुद पे भरोसा करके अपने घर से निकलते हो ना, अंत तक अपने आप पर ही भरोसा रखो। वो खुद पर जो भरोसा होता है ना, वही आपको जिता के ले जाता है।